करें 60 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर मास 10 ग्राम इज हैंग बाय टू फ्लेक्सिबल वायर इन मैग्नेटिक फील्ड आर 0.40 टेस्ला, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ द करंट टू बी फ्लोन टू न्यूट्रलाइज द टेंशन ऑफ द हैंगिंग वायर, है ना। तो देखिए जैसे ये वायर है मास वायर, तो मास वायर इसका क्या होगा, वेट जो है डाउनवर्ड एक्ट करेगा ना। मास वायर वेट ऑफ द मास वायर एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, ईएमजी फोर्स आपका डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। और जिससे क्या होगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होगा ना, ये टेंशन ये स्ट्रिंग क्या होगा, प्रेस होगी नीचे, जब प्रेस होगी तो इसमें टेंशन जनरेट होगा, तो टेंशन किधर होगा, ऊपर, किधर होगा बताओ, ऊपर होगा, तो टी ये टी टी ऊपर हो गया, ठीक है। तो इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, इस वेट को बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे ना। तो टू टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम जी, टू टी स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, एम जी, ठीक है। तो इसमें जैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो इसमें क्या होगा बताओ, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि इसमें करंट वैली ना, कहते फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो जब से करंट वहेगा, ठीक है, तो करंट से इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा, इस पर क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा, है ना। इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से किसके बराबर होगी बताओ, एम जी बराबर हो जाएगा, जब एम जी बराबर हो जाएगा तब फिर नेट टेंशन क्या होगा, जीरो, इसमें जो टेंशन जनरेट हो रहा है वो जीरो हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो इसके लिए आपको डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट निकालना है, ठीक। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बताओ, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर जो है, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम और टेंशन मैग्नेटिक फोर्स एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेट डब्ल्यू, और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगा, आई एल बी साइन ऑफ थीटा, थीटा मान क्या 90 डिग्री, और वेट का मान क्या होगा, एम जी होगा, है ना। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी अपॉन एल बी इंटू वन, ठीक है। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा एम जी अपॉन एल बी, ठीक है। तो एम की वैल्यू कितना है, एम की वैल्यू जो है कितना होगा, मास क्या है 10 ग्राम, तो मास आपकी वायर क्या है, रॉड जो है 10 ग्राम, इसको केजी बदल लीजिए तो क्या हो जाएगा बताओ, 0.01 केजी, ये मास हो गया, ठीक है। जी की वैल्यू कितना है, जी की वैल्यू 9.8 है न्यूटन मीटर सेकंड माने से जी हो जाएगा, ठीक है। अब एल की वैल्यू कितना दिया है, एल की वैल्यू जो है 60 सेंटीमीटर, इसको मीटर बदल लीजिए, 100 से डिवाइड कर दीजिए तो 0.6 मीटर हो जाएगा। तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम, एम की वैल्यू कितना है, एम की वैल्यू 0.01, ठीक है। जी की वैल्यू क्या है 9.8, एल की वैल्यू 0.6 और बी की वैल्यू कितना है, फील्ड में 0.4 है, तो 0.4, ठीक। क्या हो जाएगा, 98 × 10⁻³ अपॉन 64 × 10⁻³, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 49/32 × 10⁻³, देखिए इसको दो से कट कर दीजिए, 32 हो गया, ये 98 हो जाएगा, तो -3 + 2, ठीक है। और 49 × 32 से डिवाइड कर कितना आएगा, हैं 49 को 32, ठीक है, एम्पियर। अब 10⁻³ बदला, इसको 10 से डिवाइड करना, तो 0.153125 एम्पियर हो जाएगा, है ना, ये करंट आई होगी, ठीक है। अब डायरेक्शन निकालिए, देखिए फोर्स की डायरेक्शन इस तरह से होना चाहिए कि फोर्स
वाट के लिए ऑनवर्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी वाट के लिए अपवर्ड है ना। तो देखिए फोर्स की डायरेक्शन मालूम है आपको और फील्ड की डायरेक्शन मालूम है, करंट की डायरेक्शन डिसाइड करना है। फील्ड वाट के लिए इनवर्ड है तो एकॉर्डिंग टू फॉलोइंग लेफ्ट हैंड रूल स्ट्रेस योर फर्स्ट थ्री फिंगर्स आप लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट फोर्थ फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स सॉरी थंब इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है ना। तो देखिए क्रॉस फील्ड है, क्रॉस फील्ड क्या बता रहा है मतलब वर्टिकल इनवर्ड फील्ड को बता रहा है ना। तो वर्टिकल इनवर्ड हो गया और फोर्स इधर है अपवर्ड होना चाहिए ना। देखिए था अपवर्ड रख दिया मैंने तो मिडिल फिंगर किधर जा रहा है मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो करंट किधर पानी चाहिए लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन ऑफ करंट जो है लेफ्ट टू राइट होना चाहिए ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट इसमें पॉइंट नंबर दिया है ये नाम तो नहीं दिया देखो नंबर नाम तो नहीं दिया है ना। तो लेफ्ट टू राइट लिखे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लेफ्ट से राइट टू करंट लेफ्ट टू राइट ठीक है। ठीक है और डायरेक्शन डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन इस मास कितना है दे मास आपका मास कितना है 10 ग्राम ना। तो मास 10 ग्राम होंगे इसको ग्राम केजी में बदल लिया तो थोड़ी सी डिवाइड कर दिया ये हो गया जी बिलो 9.8 डिग्री सही है। और लेंथ कितना है लेंथ 0.6 मीटर है। फील्ड स्ट्रेंथ कितना है फील्ड स्ट्रेंथ आपकी जो है 0.4 अच्छा से 32% ये हो गया 0.24 क्या हो गया 0.24 ना। तो अब ये मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 1 × 9.8 ठीक है और 0.24 × 9.8 × 10^-2 ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9.8 × 0.24 ठीक है। तो ये दशमलव हटा दीजिए × 10^-2 है तो 10^-2 आपका नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 24 है ना क्योंकि ये जब कटेगा तो नीचे 10^-2 आएगा तो 0.24 को 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो दोनों दशमलव आपके हट जाएंगे। अब 98 को जो है 9.8 को 24 से डिवाइड करो कितना आएगा 9.8 को 24 से डिवाइड करो 0.8 नहीं है 9.8 डिवाइड बाय 24 कितना है 24 हां बढ़िया बढ़िया 9.8 0.40 आगे 83 तो हो जाएगा 0.41 एम्पीयर मीटर माइनस एम्पीयर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट